हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल एट लुकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चल रही है क्लास युवराज बैच की और लेक्चर नंबर 20 हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और भाई साहब, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, टेस्ट पेपर परफॉर्म करेंगे और टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए दोस्तों, देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चंस। चलिए, तो ये आपके सामने आ चुके हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 44 है। वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, वह स्कूल जा रहा होगा। ही, चलिए बताया इसका युवराज ने, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। तो देखते हैं, बिल्कुल सही, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, करेक्ट मार्क्स, करेक्ट है, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। चलिए, तो आप गलत स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, द बॉयज ऑफ द स्कूल विल बी, स्कूल के बच्चे, स्कूल के लड़के, द बॉयज ऑफ द स्कूल, बच्चे नहीं है लड़के हैं इसलिए बॉयज लगा, द बॉयज ऑफ द स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट हो गया है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। माय ब्रदर विल बी सिंगिंग सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, माय ब्रदर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। द प्यून विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, द प्यून विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर जी दूसरे कमरे में अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश इन द सेकंड रूम, द टीचर विल बी टीचिंग इंग्लिश इन अनदर रूम। ओके, दूसरा कमरा मतलब दूसरा कोई कमरा, तो इसका क्या होगा, अनदर रूम, क्या होगा, अनदर रूम, ठीक है ना, दूसरे कमरे को अनदर रूम। लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। ओके, दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी, या टॉकिंग अबाउट मी टू हिम। ओके, दे वैसे बेस्ट है, कि दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी, बेस्ट ये है, इसको नोट कर लीजिए, दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी, मेरे बारे में, तो लास्ट में आएगा बारे में, अबाउट मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सूरज निकल रहा होगा। Now the sun will be rising. बिल्कुल सही, now the sun will be rising. लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे होंगे। The people will be buying. चलिए देखते हैं, the people will be buying their needed things. जरूरत का सामान लिख लीजिए कॉपी में, जरूरत के सामान को बोलते हैं नीडेड थिंग्स। जरूरत का सामान मतलब नीडेड थिंग्स, द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, जरूरत का सामान मतलब नीडेड थिंग्स, और द पीपल विल बी बाइंग द थिंग्स ऑफ देयर नीड, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ओके, चलिए अब आते हैं नेगेटिव पे, नेगेटिव क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। चलिए, माता जी खाना नहीं बना रही होंगी। The mother will be not cooking the food. गलत बताया आपने, द मदर विल नॉट बी, विल और बी के बाद में यहाँ पे नॉट आएगा, है ना, हाँ ये याद रखिएगा। वैसे होता क्या है, आमतौर पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें विल और बी के बीच में क्या घुस जाता है, नॉट, द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, ठीक है ना। हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। We shall not be going to Delhi tomorrow. बिल्कुल सही है, फुल मार्क्स
मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूंगा. आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम. वेरी गुड. क्या बात है, आई शैल नॉट बी ईटिंग द फूड एट दैट टाइम. नेक्स्ट, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. They will not be playing cricket on the ground. Okay. वैसे मैं लगा है तो आप इन द ग्राउंड लगाइए. ओके, क्रिकेट इन द ग्राउंड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में बादल नहीं तैर रहे होंगे. हवा में बादल नहीं तैर रहे होंगे. The clouds will not be floating in the air. क्या बात है, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन, माली पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा. The gardener will not be watering the plants. बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी कमरे में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे. The father will not be reading newspaper sitting in the room. बिल्कुल सही. The father will not be reading the newspaper sitting in the room. नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे. The children will not be making a noise in the classroom. बिल्कुल सही. पुलिस चोर का पीछा नहीं कर रही होगी. गलत, पीछा करना मैंने बताया था रन आफ्टर होता है, तो इसमें रनिंग आफ्टर हो जाएगा. तो पूरा बोलिए, The police will not be running after the thief. पीछा करने को चेसिंग भी बोलते हैं. चेसिंग द थीफ, है ना. यस, चेस मी इफ यू कैन, है ना. पुलिस चोर का पीछा करना, यानी कि पुलिस, द पुलिस विल नॉट बी चेजिंग द थीफ. चलिए नेक्स्ट बताइए, धोबी मेरे कपड़े नहीं धो रहा होगा. The washerman will not be washing my clothes. बिल्कुल सही. तो ये हमारे हो चुके हैं क्या दोस्तों, ये हमारे हो चुके हैं नेगेटिव. अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास आ चुके हैं. बताइए एक्सरसाइज नंबर 46 में, क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे. Will the boys bathing? गलत है. चलिए गलत बताया आपने, ध्यान से देखिए इसका क्या होगा. बी होगा, विल द बॉयज, यहाँ पे बी आएगा. ओके, आर नहीं आएगा. विल द बॉयज बी बाथिंग इन द स्विमिंग पूल. इन द स्विमिंग पूल, समझ में आया ना. विल द बॉयज बी बाथिंग इन द स्विमिंग पूल. अरे भाई, विल बी होता है कि नहीं होता है. शैल बी विल बी होता है कि नहीं होता, बोलो. तो इंट्रोगेटिव के लिए विल आगे आ जाता है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर बी आ जाता है. ये रूल था ना कि भूल गया. ये रूल है, क्या होता है, सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, बी. तो बस हो गया, विल द बॉयज बी बाथिंग ऑन द पूल. क्लियर हुआ. क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा. विल द मंकी बी, हाँ, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री. कूदना भाई, जंपिंग. हाँ, विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री. ऑन द ट्री नहीं, जंप मंकी, उससे किसे, बंदर पेड़ से, फ्रॉम द ट्री. विल से लगा है, मंकी पेड़ से, है ना. विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा. विल द बॉलर बी थ्रोइंग द बॉल. विल द बॉलर बी थ्रोइंग द बॉल. बिल्कुल सही, विल द बॉलर बी थ्रोइंग द बॉल. क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीद रहा होगा. विल द जंक सेलर बी सेलिंग, खरीदना, बाइंग, न्यू, ओल्ड, ओल्ड लिखा कि न्यू, पुराना सामान, बाइंग ओल्ड थिंग्स. यस, देखते हैं. तो आपने क्या बताया, विल द जंक डीलर या जंक सेलर बी बाइंग, परचेसिंग, दोनों एक है, ओल्ड, हाँ, थिंग्स कह लो या गुड्स कह लो. सामान को बोलते हैं बेटा गुड्स, लिख लो कॉपी में, सामान को गुड्स बोलते हैं.
और जो आपकी मालगाड़ी होती है उसको गुड्स ट्रेन भी बोलते हैं इंग्लिश में, गुड्स ट्रेन, क्योंकि सामान को गुड्स भी बोलते हैं, तो मालगाड़ी गुड्स ट्रेन भी कहलाती है क्योंकि वो सामान लेके जाती है। विल द जंक डीलर बी परचेसिंग ओल्ड गुड्स? चलिए, क्या कवि, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी? विल सुमन बी रीडिंग अ पोयम? क्या वह उसे गाली दे रहा होगा? Will he abusing to him? Yes, क्या वह उसे गाली दे रहा होगा? Will he be abusing him? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लड़के छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे? Will the boys be flying the kite on the roof? Will the boys be flying kites हो जाएगा, ओके, flying the kites on the roof। चलिए नेक्स्ट है अगला, क्या उन दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा होगा? क्या उन दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा होगा? यस, देखिए, Will those two brother be quarreling? दोनों भाई के बाद आ गया be quarreling, है ना? Will those two brother be quarreling? क्या वहां बरसात हो रही होगी? Will it be raining? और वहां there? Will it be raining there? Next question, क्या इस समय प्रधानमंत्री संसद में भाषण दे रहे होंगे? Will the Prime Minister be delivering a speech at this time in the Parliament? संसद को क्या बोलते हैं? Parliament. Will the Prime Minister delivering a speech in Parliament? In Parliament. अच्छा, इस समय इसने लिखा नहीं, तो at this time, है ना, या at the moment, बिल्कुल ठीक, इस समय को बोलते हैं at the मोमेंट, है ना। विल द प्राइम मिनिस्टर डिलीवरिंग अ स्पीच इन द पार्लियामेंट एट द मोमेंट? बोलो, समझ में आ गया? चलिए, तो ये थे हमारे क्या, इंट्रोगेटिव। अब इसके बाद आते हैं हमारे कौन सा, डब्ल्यू एच वर्ड, कौन से आते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड। बताइए, वह वहां इस समय क्या कर रहा होगा? व्हाट विल ही डूइंग? गलत हो गया, देखिए यहाँ पे आपने बी छोड़ दिया है, है ना। What will he be doing there at this time? What will he be doing there at this time? आपको इस समय कौन बुला रहा होगा? Who will be calling you at this time? Who will be calling you at this time? बिल्कुल सही। राजा बाजार से क्या खरीद रहा होगा? राजा, गलत। What? देखिए, what से स्टार्ट होगा? What will राजा? हाँ। What will राजा buying? गलत। देखिए, व्हाट विल राजा के बाद बी लगेगा, व्हाट विल राजा बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट। मास्टर जी कमरे में किसे पढ़ा रहे होंगे? किसे? टू होम की वूम, वूम द, गलत, वूम विल द टीचर बी टीचिंग टू, वूम विल द टीचर बी टीचिंग इन द रूम, वूम विल The teacher be teaching in the room. Next question. लड़के इस समय कौन कौन सी फिल्म देख रहे होंगे? लड़के इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे? The boys will, गलत है, देखिए क्या होगा, Which film the boys be watching at this time? Which film? Which से start होगा, आपको पता है कौन सी है, तो which film the boys be watching at this time? दोनों भाई आपस में क्यों झगड़ रहे होंगे? Why will those two brothers be quarreling with each other? ठीक ना, एक दूसरे से लिखा है ना, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आपस में मतलब क्या है, with each other, with
each other. Why will those two brothers be quarreling with each other? Next, तुम्हारा भाई वहाँ क्या तुम्हारा भाई वहाँ क्या रहा होगा? तुम्हारा भाई वहाँ क्या रहा होगा? क्या कर रहा होगा? नहीं, कर नहीं है, रहा है लिखा है, बताइए जो भी है. क्या रहा होगा? चलिए देखिए क्या होगा इसका. हाँ, वॉट विल योर ब्रदर बी डूइंग देयर. हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा एक्चुअली होगा, क्या कर रहा होगा, तो डूइंग देयर. वॉट विल योर ब्रदर बी डूइंग देयर. राजा रानी को क्या बता रहा होगा? What will the king be telling to the queen? ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास में गीत कौन गा रहा होगा? Who will be singing a song in the class? Who will be singing a song in the class? वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होंगी? Where will those two girls be going? Where will those two girls be going? Clear है? चलिए अब आ गए हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव की एक्सरसाइज पे. चलिए देखते हैं, क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा? Will he be not? गलत हो गया. देखिए विल के बाद ही, फिर उसके बाद नॉट होता है, फिर आता है बी आता है, ठीक ना. चलिए बोलिए, Will he not be talking to him? ओके, आपने कहा Will he not be talking to her? ओके, या हिम, बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा? Will the farmer not be plowing the field? चलिए देखते हैं, विल द फार्मर नॉट बी प्लोइंग द फील्ड, बिल्कुल सही है ना. सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है सीधे, विल द फार्मर नॉट बी प्लोइंग द फील्ड. क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी? हर लगेगा भाई, लड़की है, होमवर्क. देखिए, विल पुष्पा नॉट बी डूइंग हर होमवर्क, बिल्कुल सही, विल पुष्पा नॉट बी डूइंग हर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा? Why will Rahul not be flying kite? चलिए देखते हैं क्या होगा इसका. Why will Rahul not be flying the kite? बिल्कुल सही. Next question, क्या तुम्हारे गांव में ठंडी ठंडी हवा नहीं चल रही होगी? इसका क्या होगा? क्या तुम्हारे गांव में ठंडी ठंडी हवा नहीं चली होगी? Will the cold wind not be blowing in your village? ये तो आपसे बन जाता, आप कोशिश करते तो. क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे? Will they not be eating the food now? बिल्कुल सही, will they not be eating the food now? Next question, उनमें कौन सा लड़का स्कूल नहीं जा रहा होगा? उनमें से कौन सा लड़का स्कूल नहीं जा रहा होगा? Which boy will not be going to school? गलत है, which of the होगा. Which boy of them? उनमें से कौन सा लड़का? Which boy of them will not be going to school? Next, दरवाजा कौन नहीं खटखटा रहा होगा? Who will not be knocking the door? Next question, क्या आपके शहर में बारिश नहीं हो रही होगी? Will it
चलिए देखते हैं, क्या आपके शहर में बारिश नहीं हो रही होगी? विल इट नॉट बी रेनिंग, विल इट नॉट बी रेनिंग इन योर सिटी, विल इट नॉट बी रेनिंग इन योर सिटी। क्या रजिया अपने भाई का स्वेटर नहीं बुन रही होगी? विल रजिया हाँ नॉट बी स्वइंग, स्विंग कहते हैं ना, या निटिंग होता मेरे ख्याल से, निटिंग हाँ अपने भाई का, his brothers स्वेटर। Will Rajia not be knitting the sweater of his brothers, या his brother's sweater? Will Rajia not be knitting the sweater of his brother? वैसे यहाँ पे हर ब्रदर आएगा क्योंकि रजिया लड़की है, इसलिए लड़की के लिए उसका भाई, उसका। तो लड़का में हर जाएगा। Will Rajia not be knitting the sweater of her brother? ओके गाइस, तो ये थी हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस की पूरी वर्कशीट। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब तक के लिए युवराज बैच से इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।